टू देखिए, यहाँ पर देखो इसे भी आप लोग मान लो, माना इसे ए का व्यूह ए मान लेते हैं, दिया आपके पास 2 1 1 1। चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ए बराबर में आई ए, ए का वैल्यू एल एच एस में रखेंगे 2 1 1 1, और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का 1 0 0 1। चलिए यहाँ पे यू शेप में इसको ठीक करना है, यहाँ वन लाना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो हो जाएगा, यानी कि आर वन के प्लेस पर आर वन माइनस आर टू, ठीक है, आर वन के प्लेस पर आर वन माइनस आर टू, इसमें से इसको घटा के लिखो 1, इसमें से इसको घटा के लिखो 0, यहाँ बाकी जो वही रहेगा आर टू की जगह पर, आर वन के जगह आर वन माइनस आर टू, तो यहाँ पे 1, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे माइनस का 1 और 0 1 यहाँ रहेगा। चलिए सब अब यहाँ पे खाली 0 लाना है, यानी कि आर टू के जगह पर आर टू माइनस आर वन, आर टू माइनस आर वन, चलिए घटा के लिखते हैं 1 0, इसमें से इसको घटाएंगे 0 और 1 में से 0 जाएगा आपका 1। देख लीजिए ना आ गया ना सिंपली, आप देखो यहाँ पे आर वन तो वैसे ही रहेगा, आर टू की जगह पे आर टू माइनस वन, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 1, इसमें से इसको घटाएंगे 2, तो देखो ये इधर आ जाएगा, ए इनवर्स बराबर में हो जाएगा, ए इनवर्स बराबर में हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए चलिए अगला।